इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2017 में सिद्धार्थनाथ सिंह ने विजय हासिल कर कमल खिलाया। ये विधानसभा क्षेत्र पहले कुछ वर्षों तक चुनावी रंजिश और बढ़ते अपराध के कारण सुर्खियों में रहा। जब 1980 में इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट बनी तो यहाँ जनसंघ के तीर्थलाल कोहली विजय हुए। इसके बाद 1984 में रामगोपाल यादव विधायक चुने गए। इसके बाद ये सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आई जब यहाँ बाहुबली अतीक अहमद ने जीत दर्ज कराई। इस सीट पर सपा के बाहुबली अतीक का काफ़ी दबदबा रहा, जो 5 बार विधायक रहे। 1989 से 2002 तक सपा से अतीक अहमद यहाँ के विधायक रहे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में फूलपुर से अतीक अहमद सांसद बने और ये सीट खाली होने पर उपचुनाव हुआ और अतीक ने अपने भाई अशरफ को 2004 में सपा का टिकट दिलवाया। इस उपचुनाव में बीएसपी के राज्यपाल जीते। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजूपाल को सुलेमसराय इलाके में सरेरा गोलियों से भून दिया गया, जिसका आरोप समाजवादी पार्टी के फूलपुर सांसद रहे अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर लगा। एक साल बाद 2006 में इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें अशरफ विधायक बन गए और बसपा से राजूपाल की पत्नी पूजा पाल चुनाव हार गई। 2007 के आम चुनाव में बसपा से पूजा पाल जीतकर विधायक बनी। 2012 में फिर पूजा पाल विजयी हुई। वहीं 2017 में भाजपा उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह इस सीट से जीते। 2022 के चुनाव में भी इस सीट पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें लगी हुई हैं। वर्ष 1977 में जेएनपी से हबीब अहमद ने कांग्रेस के कन्हैया लाल सोनकर को हराकर जीत दर्ज की थी। 1980 में कांग्रेस से चौधरी नौनिहाल सिंह ने जेएनपी के महबूब अहमद को हराया। 1985 में एएलकेडी के गोपाल दास ने कांग्रेस के अकबर हुसैन को पराजित किया। 1989 में आईएनडी से अतीक अहमद ने कांग्रेस के गोपाल दास को पराजित किया। 1991 में अतीक अहमद ने भाजपा के रामचंद्र जायसवाल को पराजित किया। 1993 में अतीक अहमद भाजपा के तीरथ राम कोहली को पराजित कर तीसरी बार विधायक बने। 1996 में अतीक अहमद सपा के बैनर तले चौथी बार निर्वाचित हुए। उन्होंने भाजपा के तीरथ राम कोहली को दोबारा हराया। 2002 में अतीक अहमद अपना दल से लड़े और सपा के गोपाल दास यादव को हराया। 2007 में बसपा की पूजा पाल ने सपा के खालिद अजीम उर्फ अशरफ को हराया। 2012 में पूजा पाल ने अतीक अहमद को पराजित किया। 2017 में भाजपा का कमल खिला और सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा की ऋचा सिंह को पराजित किया।